नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नेहरू युवा केंद्र संगठन हिडोन ब्लॉक रोविन सोलांकी महू के जन्मदिन के अवसर पर सुमन ब्लड बैंक में सर्वेक्षक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ब्लॉक हिडोन सिटी की ओर से हिडोन ब्लॉक NVIV रोविन सोलांकी महू के जन्मदिन के अवसर पर सुमन ब्लड बैंक में सर्वेक्षक रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत ग्राम पंचायत कोटवा सरपंच लोकेश कुमार जाटव ने रक्तदान करके की। NVIV रोविन सिंह ने बताया कि आज कोरोना काल में रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। एक व्यक्ति एक बार रक्तदान करके 3 जीवन बचा सकता है। मनुष्य जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। और युवाओं को वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन के बाद 1 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते हैं, इस कारण अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने की सोची, जिस पर टीम के लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर भगवान महावीर हॉस्पिटल के संचालक अजेंद्र सोलांकी, सुमन ब्लड बैंक प्रभारी हरेंद्र शेरपुर, रिंकू जाटव, जयसिंह डांगुर, सुमित बेनीवाल, हेमंत मदेरणा सहित दर्जनों रक्तदाता इस मौके पर उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आज सुमन ब्लड बैंक दूसरी मंजिल भगवान महावीर हॉस्पिटल कैंपस में हिंडोन ब्लॉक NVIV रोबिन सिंह सोलंकी के जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में हिंडोन ब्लॉक नेहरू युवा केंद्र संगठन के NVIV रोबिन सिंह सोलंकी, सरपंच लोकेश कोटवास, सदस्य नितिन सोलंकी, सुमित बेनीवाल और रोबिन सिंह सोलंकी जी की माताजी श्रीमती मीरा देवी, हेमंत मदेरणा आदि कई लोगों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदान किया।